अक्सर लोग पूछते हैं कि विष्णु जी बड़े हैं या कृष्ण जी बड़े हैं, दोनों में क्या दोनों एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं। तो आइए इस टॉपिक को हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि विष्णु जी बड़े हैं या कृष्ण जी बड़े हैं। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो दोनों बराबर ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, पर फिर भी अलग हैं। कैसे? जैसे एक व्यक्ति अगर ऑफिस में जाता है तो उसका एक स्वरूप होता है, और एक व्यक्ति जब अपने घर पे जाता है तो उसका स्वरूप बिंदास हो जाता है। अगर ऑफिस में जाएगा सूट लगाएगा, टाई लगाएगा और एकदम ऑफिस के टर्म अंग्रेजी में बात करेगा, और वही व्यक्ति जब अपने घर पे जाएगा तो बरमूडे में चड्डे में बैठ जाएगा, आराम से बैठ जाएगा, रिलैक्स होकर हिंदी में बात करेगा अपने बेटों के साथ, बेटियों के साथ सब मस्ती करेगा और पारिवारिक आनंद का आनंद लेगा। तो दो एक ही व्यक्ति है पर दोनों में अंतर है, दोनों के रूप में अंतर है, दोनों के स्वभाव में अंतर है। उसी तरह से जो ऑफिस में जो व्यक्ति है वो विष्णु जी हैं, और जो घर पे जो व्यक्ति हैं वो हैं कृष्ण जी, मतलब रिलैक्स मूड वाले, इंटरेस्टिंग भाव वाले। तो जो एकदम मद मस्त व्यक्ति हैं वो कृष्ण जी हैं, और जो ऑफिस वाले हैं वो विष्णु जी हैं। और एक और फर्क है, विष्णु जी के बारे में क्या बोलते हैं, विष्णु जी के चार हाथ और कृष्ण जी के दो हाथ। तो विष्णु जी के चार हाथ में क्या है, शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हो रहे हैं, और कृष्ण जी के हाथ में क्या सुशोभित हो रहा है, वो है उनकी बांसुरी। तो वो श्यामा श्याम बन गए और श्याम सुंदर बन गए, त्रिभंगी बन गए, टेढ़े खड़े हो गए। तो विष्णु जी का खड़े होने का स्टाइल अलग है और कृष्ण जी के खड़ा होने का स्टाइल अलग है, तो ये भी एक अंतर हो गया। फिर भी शास्त्र बताते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं अपनी ब्रह्म संहिता में, क्या बोल रहे हैं, जो सृष्टि के रचयिता हैं, जिन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, वो क्या बोल रहे हैं, ईश्वरा परमा कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, कि परम ईश्वर तो कृष्ण ही है और आदि पुरुष है। तो विशेष वर्ड जो यूज किया है कृष्ण जी के लिए ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में, कि आदि पुरुष है, ही इज द फर्स्ट पर्सन। हालांकि कृष्ण विष्णु में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, पर फिर भी अगर फर्स्ट किसी को दें तो कृष्ण जी नंबर वन पे आएंगे। कैसे बताते हैं, जब सृष्टि की रचना हुई थी तो सबसे पहले थे कृष्ण जी, और कृष्ण जी के बाद कौन आए, बलराम जी, और बलराम जी से किसका विस्तार हुआ, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, प्रथम चतुर्व्यूह का निर्माण हुआ। अब इनमें संकर्षण से द्वितीय चतुर्व्यूह का निर्माण हुआ, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। अब इन संकर्षण से क्या है, महाविष्णु, क्योंकि विष्णु भी एक नहीं होते, विष्णु भी तीन तरह के होते हैं। आइए आज उनके बारे में भी समझ लेते हैं कि तीन विष्णु कौन कौन से हैं। तीन विष्णु हैं इस प्रकार, सबसे पहले हैं कारणोदय विष्णु, जिनको महाविष्णु भी बोलते हैं। तो उनकी जब श्वास लेते हैं तो अनेक ब्रह्मांड बाहर आते हैं, और उनसे हर एक यूनिवर्स में, हर एक ब्रह्मांड में अलग अलग गर्भोदय विष्णु पैदा होते हैं। यदि ब्रह्मा विष्णु महेश एक लोक में, ब्रह्मा विष्णु महेश एक लोक में, ब्रह्मा विष्णु महेश एक लोक में, तो महाविष्णु तो एक हैं, पर उनसे हजारों अनगिनत जितने लोक हैं उतने गर्भोदय विष्णु होंगे, उतने ब्रह्मा होंगे और उतने शिव भी होंगे। ब्रह्मा किसके अवतार हो गए, रजोगुण के अवतार, कोई गुण अवतार हो गए, और शंकर क्या हो गए, तमोगुण के अवतार, संहार करने वाले हैं, और जो गर्भोदय विष्णु हैं वो कौन से अवतार हो गए, सत्वगुण के अवतार हो गए, तो ये गुण अवतार हो गए। और इनके अलावा एक और विष्णु होते हैं जिनको बोलते हैं शीरोदक्षय विष्णु, क्योंकि शीर सागर, एक सागर है दूध का सागर, तो वहाँ पर वो आराम से बैठे रहते हैं। तो वो शीर सागर में जो विष्णु रहते हैं उनका नाम है शीरोदक्षय विष्णु। तो गर्भोदय विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के बाद 14 भुवन की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विष्णु में भी तीन तरह के विष्णु हैं, महाविष्णु, शिरोदक्षय विष्णु और आपके गर्भोदक्षय विष्णु, तीन तरह के विष्णु भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। पर कन्फ्यूजन कहाँ पर आता है, जनरली लोग बोलते हैं विष्णु जी बड़े हैं कृष्ण जी छोटे हैं, क्यों ऐसा कन्फ्यूजन क्यों आ रहा है? इसका एक कारण है कि जो भी इस व्यक्ति इस धरती पर आता है
उसको गर्भ दक्षिणा विष्णु की नाभि से आना है, ब्रह्मा जी भी उन्हीं की नाभि से उत्पन्न हुए, और कृष्ण जी का जब अवतार हुआ द्वापर युग में तो भी विष्णु जी से आए, तो इसलिए विष्णु जी बड़े हो गए और कृष्ण जी छोटे हो गए, क्योंकि कृष्ण जी जो हैं विष्णु के नाभि से उत्पन्न हुए। पर ऐसा नहीं है, हालांकि उनकी नाभि से आ रहे हैं, पर फिर भी हम एक चीज़ कह सकते हैं, नाभि से आने के बाद भी हम एक चीज़ कह सकते हैं, जैसे सूर्य है, और सूर्य कहाँ से उदय हो रहा है, पूर्व से उदय हो रहा है, पर क्या पूर्व क्या सूर्य का पिता हो गया, नहीं, पूर्व से सूर्य उदय हो रहा है, पर इसका मतलब नहीं कि पूर्व पिता हो गया। या फिर कृष्ण जी का जन्म देवकी गर्भ से हुआ, देवकी उनकी माता हुई, पर क्या देवकी परम स्रोत हुई, नहीं, वो कृष्ण भगवान ने निश्चित किया कि मैं देवकी गर्भ से पैदा होऊंगा। तो उसी तरह से विष्णु से वैसे जन्म हो सकता कृष्ण जी का हुआ होगा, पर वो उनसे सर्वे सर्वा नहीं हुए, क्योंकि हमने एक लीला में पढ़ा कि कृष्ण जी से बलराम जी आए, और फिर चतुर्व्यूह आए, फिर महाविष्णु आए, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु आए, और फिर शिरोदक्षाय विष्णु आए। तो इस तरह से अलग अलग विष्णुओं का निर्माण हुआ, पर सर्वप्रथम कौन हुए, कृष्ण जी। जैसे हम समझ सकते हैं, एते चाम्स कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। व्यास देव ने सभी अवतारों का विवरण दिया, जैसे राम का दिया, नरसिंह जी का दिया, वराह का दिया, कूर्मा का दिया, और सभी ये 22 अवतार गिनाने के बाद उन्होंने क्या बोला कि अवतारी तो कृष्ण ही हैं। एक होता है अवतार और एक होता है अवतारी। अवतारी का क्या हो गया, समस्त अवतारों का स्रोत, मूल उद्गम। तो मूल उद्गम क्या है, आदि पुरुष कौन है, कृष्ण जी हैं, बाकी सब तो अवतार हैं, और कृष्ण जी जो हैं वो अवतारी हैं। और इसको हम एक और चीज समझ सकते हैं, वो है ब्रह्म संहिता। एक पुस्तक आती है उसमें लिखा हुआ है, गोलोक धाम निज धाम तले च तस्या देवी महेशु हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभवा निचया विहिताश्च येन गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो उसमें लिखा हुआ है कि सबसे नीचे जो लोक है वो है देवी धाम, मतलब दुर्ग धाम जहाँ हम रहते हैं, पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक। और देवी धाम के ऊपर क्या है, महेश धाम, मतलब शिव का धाम, और महेश धाम के ऊपर किसका धाम है, भगवान हरि का धाम, देवी महेश हरि धाम सुतेषु। और हरि के धाम के ऊपर क्या है, सबसे ऊपर निज धाम, गोलोक धाम, कृष्ण धाम। तो समझ सकते हैं हम, कृष्ण सबसे ऊपर, उनके नीचे हरि विष्णु, उनके नीचे शिव शंकर, और उनके नीचे दुर्गा। तो ये है ग्रेडेशंस। एक और श्लोक आ रहा है ब्रह्म संहिता में, मां लिखा हुआ है, यस्य कनिष्व सिद्ध काल मतावलंब्या जीवन दिलोम विलजा जगदंड नाथ विष्णुर सहमस्य यकला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो बता रहे हैं विष्णु जी के बारे में, बता रहे हैं कि जब विष्णु जी श्वास लेते हैं महाविष्णु, यस्य कनिष्व सिद्ध काल मतावलंब्या, तो अनेक ब्रह्मांड उनकी श्वास से बाहर आते हैं, और वो ब्रह्मा जी का पूरा 100 वर्ष बनता है। तो ब्रह्मा जी का 100 वर्ष हुआ तो महाविष्णु का एक श्वास हुआ, पर तो जो महाविष्णु भी है वो कृष्ण जी के अंश हैं, कला अंश हैं, ये हमें समझना है। तो सबसे ऊपर कृष्ण जी हुए और उनके अंश के अंश विष्णु हुए, और फिर उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश जो कि गर्भोदक्षाय विष्णु है, और फिर सबका जन्म हुआ, सब जीव आत्माओं का जन्म हुआ। और एक और श्लोक आता है ब्रह्म संहिता में, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार मकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमान यो गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, और राम नरसिंह वरा वो भी क्या है, भगवान के कृष्ण जी की कला अंश है, और वास्तविक भगवान क्या है, कृष्ण स्वयं जो निज कृष्ण है वो परम भगवान है। ऐसे गोविंद को, ऐसे कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। ये हमें शास्त्रोक्त ज्ञान होना चाहिए। तो जो परम भगवान है वो श्यामा श्याम है, श्याम सुंदर है, जो गोपियों के मन में बसते हैं। एक बार चर्चा आती है, गोपियां कृष्ण जी को ढूंढ रही थी, रासलीला चल रही थी, अब भगवान को अहंकार पसंद नहीं है, तो रासलीला में से भगवान जो हैं वो बाहर चले जाते हैं, तो वो ढूंढती कृष्ण तुम कहाँ हो, कृष्ण तुम कहाँ हो, और ढूंढते ढूंढते एक विष्णु जी का मंदिर आता है।
तो विष्णु जी से पता क्या पूछती हैं, विष्णु के मंदिर से, कि कृष्ण जी कहाँ हैं? तो उनको विष्णु भी नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए? वही श्याम, हमारे प्रियतमा कृष्ण जी। तो वृंदावन के जो वृंदा मालिक हैं वो कृष्ण जी ही हैं, विष्णु जी नहीं हैं। तो दोनों एक हैं, पर स्वभाव से, भाव से, भंगिमाओं से, चाल से, रूप से, जो उनका रूप है वो कृष्ण जी का सर्वे सर्वा है। और अंतिम में एक बात बताना चाहूँगा कि बताते हैं विष्णु जी में 60 गुण हैं और कृष्ण जी में 64 गुण हैं। कौन कौन से 4 गुण एक्स्ट्रा हैं? वो हैं रूप माधुरी, जो रूप ठाकुर जी का है, जिसे सब लोग आकर्षित हो जाते हैं। एक बार बांके बिहारी के बारे में बताया जाता है कि अगर ठाकुर जी अगर रीझ गए तो ठाकुर जी उसको अपने अंदर ले लेते हैं। तो श्यामा श्याम ठाकुर जी बांके बिहारी बड़े सुंदर हैं। और बताते हैं कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों कामदेव के बराबर उनकी सुंदरता है। करोड़ों कामदेव, करोड़ों सुंदर सुंदर स्त्रियां भी आ जाएं तो उससे ज्यादा सुंदर कौन है? कृष्ण जी। करोड़ों कामदेव के बराबर है वो, उनकी सुंदरता। और बता रखा एक और गुण कौन सा है? भक्त माधुरी। कृष्ण जी हमेशा भक्तों के साथ आते हैं, कभी नंद के साथ, कभी गोपियों के साथ, कभी ग्वालों के साथ, कभी यशोदा के साथ, कभी गैया के साथ। तो हमेशा भक्तों के साथ कोई ना कोई रहते हैं वो। और एक है लीला माधुरी, और उनकी आप भागवत में बुक पढ़ेंगे, उनकी 90 कहानियां हैं। 90 तो एक लिमिटेड हैं, और भी पुस्तक जाएंगे, गोपाल चंपू, असीमित कहानियां उनकी। तो कृष्ण जी की लीलाएं अनंत हैं। और जो लास्ट में एक स्वरूप अलग होता है, एक है वेणु माधुरी, ये बांसुरी और कोई भगवान नहीं बजाता, इसे पूरी दुनिया आकृष्ट हो जाती है। तो वह है रूप माधुरी, वेणु माधुरी, भक्त माधुरी और लीला माधुरी। ये 4 गुण कृष्ण जी में हैं जो विष्णु जी में नहीं है। इसलिए हमें समझना है कि हमेशा हमारा ध्यान जो है उस श्याम सुंदर पर लगा रहना चाहिए, उस स्त्री भंगी पर लगा रहना चाहिए, जो टेढ़े खड़े होते हैं, तीन जगह से टेढ़े हैं, बांसुरी भी टेढ़ी है, मुकुट भी टेढ़ा है, पूरे हाव भाव पूरे टेढ़े हैं। अगर उस रूप पर हम ध्यान लगाएंगे तो हमारा जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा और हमारी आत्मा का उस परमात्मा से संगम हो जाएगा और उनकी हम सेवा कर पाएंगे। तो हमारी उन परमात्मा को हमें बार बार सेवा करनी चाहिए है, उनसे कोई सेवा मांगनी नहीं चाहिए है। क्योंकि एक बच्चा जब छोटा होता है तो माता से सेवा लेता है, माता दूध पिला रही, बड़ी माता अच्छी लग रही, थोड़ा और बड़ा होता है, अच्छा बाइक तो पापा देंगे, तो वो पापा के पास जाता है। पर जब बच्चा और बड़ा होता है तो वही बड़ा होकर माता पिता की सेवा करता है। तो जो भक्ति में मैच्योर हो जाते हैं वो भगवान से कुछ मांगते नहीं, वो भगवान को देते हैं। तो श्यामा श्याम को आप विशेष उपहार दीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्णा।